एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द स्टोर ऑफ नॉलेज। मैं प्रज्ञा, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द स्टोर ऑफ नॉलेज में। हम अपने पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे वर्णमाला को। वहाँ पर वर्णमाला में हमने वर्णों को पढ़ा था, स्वर और व्यंजन को पढ़ा था। आज हम अपने इस वीडियो में उसी का रिवीजन कराएंगे। थोड़ा सा 2 मिनट में हम उसको पूरा रिवाइज कर लेते हैं। अगर हम वर्णमाला की बात करें, वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है, लेकिन कई बार जब हम लिखने बैठते हैं तो लिखने में हमें वर्ण कम मिलते हैं। तो आज हम यहाँ पर वो डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से वर्ण होते हैं 52। देखिए ज़रा, आ से लेकर और ज्ञा तक, आ से लेकर ज्ञा तक हमारे कुल वर्णों की संख्या 49 होती है। उसके बाद हमारे बचते हैं 3 वर्ण जो हम लिखने में अक्सर छोड़ देते हैं, जिनकी वजह से ही वर्णमाला में कन्फ्यूज़न होता है कि कितने वर्ण होते हैं। जो हमारा श्र, ड और ढ, जिसमें नीचे बिंदी लगी हुई होती है, इन दोनों व्यंजनों को हम उत्क्षिप्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन या गृहीत अथवा आगत व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अ से लेकर औ तक। अ से लेकर औ तक की अगर हम बात करें तो ये हमारे स्वर होते हैं, जो हम अपनी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अ से लेकर औ तक स्वरों में हम दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर पढ़ चुके हैं। ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर बोलते हैं, एक मात्रिक स्वर भी नहीं बोलते हैं। वो कौन कौन से हैं ज़रा देखें, अ, ई, उ और री। अ, ई, उ और री ये हमारे मूल स्वर होते हैं, जिन्हें हम ह्रस्व स्वर बोलते हैं या एक मात्रिक स्वर बोलते हैं। इसके अलावा अगर हम बाकियों की बात करें, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ की, तो ये हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर में हम पढ़ चुके हैं कि दीर्घ स्वर दो होते हैं, सजातीय और विजातीय। सजातीय स्वर कौन से होते हैं? सजातीय स्वर की अगर हम बात करें तो जो वर्ण एक दूसरे के मेल से बनते हैं, अपने ही जैसे वर्णों के मेल से जो वर्ण बनते हैं वो सजातीय होते हैं। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, अ धन अ से बना हमारा आ, अ धन अ से हमारा बनता है आ। इसी प्रकार ई धन ई से हमारा बना बड़ी ई। लेकिन अगर हम बात करें ए की, तो ये हमारा विजातीय हो जाता है। विजातीय मतलब अ ध अ के साथ ई के मिलने से हमारा ए बनता है। ठीक है, ये हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर कौन से हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। 4 हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं, बाकी 7 हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। अब हम बात करते हैं अंग और अह की। अंग और अह की अगर हम बात करें तो इन्हें हम अयोगवाह ध्वनियाँ बोलते हैं। कौन सी ध्वनियाँ? अयोगवाह ध्वनियाँ। अयोगवाह क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनको ना तो हम स्वरों में गिनती करते हैं, ना ही इनकी गिनती हम व्यंजनों में करते हैं। अंग की मात्रा ऊपर लगती है, इसलिए हम इसको शीर्ष बिंदु वाला वर्ण बोलते हैं, और अह की मात्रा साइड से लगती है, इसलिए इसको हम पार्श्व बिंदु वाला वर्ण बोलते हैं। यहाँ तक रही हमारी अ से लेकर अंग तक की बात। अब हम बात करते हैं व्यंजनों की, जो हमारी क से शुरुआत होती है। ठीक है, क से जब हम व्यंजन शुरू करते हैं, व्यंजन को हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। क से लेकर म तक, क से लेकर म तक के व्यंजनों को हम स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं। कौन से व्यंजन? स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजनों में अगर हम स्थान की बात करें, स्पर्शी व्यंजनों में अगर हम उच्चारण स्थान की बात करते हैं, तो क का उच्चारण स्थान कंठ होता है, च का उच्चारण स्थान तालव्य होता है। जैसा कि हम अपनी पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे, क का उच्चारण स्थान कंठ, च का उच्चारण स्थान हमारा तालव्य, ट का उच्चारण स्थान हमारा मूर्धा या मूर्धन्य, मूर्धा भी बोलते हैं इसको, मूर्धा या फिर मूर्धन्य। त की अगर हम बात करें, त की अगर हम बात करें तो त का उच्चारण स्थान होता है हमारा दंत। त का उच्चारण, त वर्ग का उच्चारण स्थान हमारा होता है दंत। प की अगर हम बात करें तो इसका उच्चारण स्थान होता है ओष्ट या ओट। ठीक है, उच्चारण स्थान जब उच्चारण की दृष्टि से हम देखते हैं, तब क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ग का उच्चारण स्थान क्या है। इसके बाद हमारे आते हैं अंतस्थ व्यंजन। हम अंतस्थ व्यंजनों की बात करते हैं।
अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल और व रहता है। हम अपनी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं य और व को हम अर्धस्वर बोलते हैं। य और व को हम अर्धस्वर बोलते हैं। अर्धस्वर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो व बना है वो हमारा ऊ धन आ से बना है और य जो बना है वो हमारा ई ई या की हम बात करें तो या का हम या हमारा ई धन आ से मिलकर बना है। ठीक है, ई धन आ से बना या ऊ धन आ से बना हमारा वा, इसीलिए हम इसको अर्ध स्वर बोलते हैं। रा की अगर हम बात करें तो रा को हम लुंठित बोलते हैं क्योंकि इसके उच्चारण में जीभ जो है वो ज़्यादा तेजी से, ज़्यादा तीव्र गति से मुख में घूमती है। ल की अगर हम बात करें तो ला को हम पार्श्विक बोलते हैं क्योंकि इसके उच्चारण के समय जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो वायु जीभ के साइड से होकर बाहर निकलती है, पार्श्व से बाहर निकलती है। अब हम बात करते हैं श, श, श और हा की। हमने पढ़ चुके हैं इनको हम बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। कौन से व्यंजन? ऊष्म व्यंजन। इन्हीं को हम संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं। श, श, श और हा ये हमारी ऊष्म व्यंजन और संघर्षी व्यंजन दोनों बोले जाते हैं। इसमें अगर हम श की बात करें, श की बात करें तो इसका उच्चारण स्थान तालव्य होता है। श का उच्चारण स्थान तालव्य होता है। श का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, मूर्धा, क्योंकि इसका जब हम उच्चारण करते हैं तो जो जीभ है वो मूर्धा से टच होती है। श के उच्चारण में जो जीभ है वो मूर्धा से टच होती है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान मूर्धा। और श का इसको हम स्पष्ट स बोलते हैं। स के उच्चारण में जीभ जो है वो दांतों की तरफ को आती है, इसको हम दंत्य श बोलते हैं, दंत श बोलते हैं, दंत्य श बोलते हैं। ह की जब हम बात करते हैं तो ह हमारा काकल्य व्यंजन होता है। ह को काकल्य व्यंजन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके उच्चारण में वायु जो है वो अंदर से बाहर आती है। उच्चारण करें अगर तो ह, वायु जो है वो अंदर से बाहर आती है, इसीलिए ह को हम काकल्य व्यंजन बोलते हैं। काकल्य व्यंजन, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्ष, त्र, क्या और श्र की। अगर हम श को देखें, इनको हम संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में रखते हैं। श, त्र, ज्ञा और श्रा, ये हमारे चारों ही व्यंजन संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। श की जब हम बात करते हैं तो इसका क और श से मिलकर बनता है। क और श से मिलकर बना हुआ वर्ण होता है हमारा क्ष। अगर हम त्र की बात करें तो ये त और र से मिलकर बनता है। हमने अपनी कल की वीडियो में बताया था कि एक आधा और एक पूरा होता है। अगर दोनों आधे होते हैं तो उसके साथ में आ भी आता है। जैसे अगर का आधा है, श भी आधा है, तो इसके साथ में आ भी होगा। ठीक है, क्षत्र। साथ ही अगर ज्ञ की बात करें तो ज्ञ का उच्चारण ज और या, ज और या से मिलकर हमारा ज्ञा बनता है। ठीक, अब हम बात करते हैं श्र की। श्र को जब हम देखते हैं तो ये श, श कौन सा? तालव्य श और र, श और र से मिलकर हमारा बनता है श्र। ठीक है, क्षेत्र, ज्ञा और श्र ये चारों ही हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। क्ष हमारा क और श से, त्र हमारा त और र से, ज्ञा हमारा ज और या से, और श्र हमारा श और र से। अब हम बात करते हैं ड और ढ की। जब हम ड और ढ को देखते हैं तो ये हमारे इधर वर्णमाला में भी हमको नज़र आते हैं, इसकी वजह से हम यहाँ कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जब नीचे बिंदी लगी हुई होती है, जहाँ नीचे बिंदी लगी हुई होगी वो हमारे ड और ढ उत्क्षिप्त व्यंजन होंगे, उनको हम द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। साथ ही इनका प्रयोग कभी भी किसी भी शब्द में प्रारंभ में नहीं किया जाता। जैसे हमें लिखना है सड़ना, सड़ना, तो यहाँ पर ये वाला ड बनेगा, ना कि ये वाला। ठीक है, साथ ही पढ़ना, तो पढ़ना में भी ये वाला ड आएगा, ना कि ये वाला। जहाँ नीचे बिंदी लगी हुई होती है वो हमारा उत्क्षिप्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन होता है। इसका प्रयोग कभी भी किसी भी शब्द के प्रारंभ में नहीं किया जाता। ये तो हुई हमारी ड तक की बात। अब हम बात करते हैं इन व्यंजनों की।
प्रत्येक लाइन का जो पांचवा व्यंजन होता है इनको हम पंचमाक्षर व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। ड, ञ, न, न और मा, ये पांचों हमारे पंचमाक्षर व्यंजन होते हैं, इनको अनुनासिक व्यंजन भी बोलते हैं, ठीक। इतनी हुई हमारी वर्णमाला में व्यंजनों की और स्वरों की बात। अब हम बात करेंगे आगे की, जिसको हम देखते हैं इसके अलावा भी अब कुछ वर्ण आते हैं, जैसे सघोष और अघोष व्यंजन कौन से हैं, उसके अलावा अल्पप्राण और महाप्राण क्या होता है, इसको हम समझते हैं। चलिए करते हैं सघोष और अघोष व्यंजनों की। सघोष व्यंजन कौन से होते हैं और अघोष व्यंजन कौन से होते हैं, अगर हम उन्हें समझने की कोशिश करें तो सघोष, सघोष से तात्पर्य ऐसे व्यंजनों से है जिनका उच्चारण जब हम करते हैं, सघोष व्यंजन जो उच्चारण करते हैं जब हम, तो जो वायु होती है वो बाहर आती है, वायु बाहर आती है, स्वर यंत्रियों में कंपन होता है, स्वर यंत्रियों में कंपन होता है वो सघोष होते हैं, जब स्वर यंत्रियों में कंपन कम होता है तो वो अघोष व्यंजन होते हैं, ठीक है। स्वर यंत्रियों में जहाँ अधिक कंपन हो वो हमारे सघोष, और जहाँ स्वर यंत्रियों में कंपन नहीं होता वहाँ पर अघोष व्यंजन होते हैं। अब इसको समझने की कोशिश करें तो देखें ज़रा, उच्चारण अगर हम करते हैं तो प्रत्येक वर्ग का, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन जब हम उच्चारण करते हैं तो उसमें हमारी स्वर यंत्रियों में कंपन होता है, जैसे क, ख, ग। उच्चारण कैसे करके देखें ज़रा, जब हम समझते हैं तो कानों में उंगली डालकर और उसको बोल के देखें, क, ख, ग। जब ग बोलते हैं तो स्वर यंत्रियों में कंपन होता है, अंदर ही एक कंपन सुनाई देता है, तो उसको ही हम सघोष बोलते हैं। ग, फिर घ और ञ, क, ख, ग, घ, ञ। तो क, ख में नहीं होता है, जिसमें नहीं होता है पहला और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण हमारा अघोष होता है, और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होता है वो सघोष होता है। इसके अलावा हमारे जितने भी स्वर होते हैं, जितने भी स्वर होते हैं उनका सभी, वो सारे ही हमारे सघोष होते हैं, जितने भी स्वर हैं वो सभी हमारे सघोष। उसके अलावा य, र, ल और व, य, र, ल और व, ये भी हमारा सघोष व्यंजनों की श्रेणी में आता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम अल्पप्राण, अल्पप्राण और महाप्राण की, अल्पप्राण और महाप्राण। देखें ज़रा, जब हम अल्पप्राण को समझते हैं, जब हम अल्पप्राण को समझते हैं तो अल्प मतलब कम, प्राण मतलब वायु। जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु कम बाहर निकले, सघोष में क्या था, स्वर यंत्रियों में कंपन होता था, अल्पप्राण में क्या है, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु कम बाहर निकले वो हमारे अल्पप्राण होते हैं, और जब उच्चारण करते वक्त अधिक वायु बाहर निकलती है तो वो महाप्राण होते हैं, जैसे क, ख, ग। उच्चारण करके देखें ज़रा, क और ख, ख में वायु बाहर आ रही है, क, ख, जब ख बोल रहे हैं तो वायु टकरा रही है, वायु अधिक बाहर आ रही है, तो ये महाप्राण में आता है, ठीक है। और जब क बोलते हैं तो वो वायु नहीं आती उतनी, तो इसलिए ये अल्पप्राण में आता है। इससे मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला, क, ख, ग, तीसरा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन जो होता है वो हमारा अल्पप्राण होता है, तथा दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण होता है, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण, और दूसरा और चौथा व्यंजन हमारा महाप्राण होता है। अब हम बात करते हैं